कोविड-19 वायरस के संक्रमण व कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पीड़ित व्यक्तियों तक समय से इलाज व दवा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक व जनपद पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कालाबाजारियों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत 18 मई को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना को गंभीरता से लेते हुए औषधि निरीक्षक व गोरखनाथ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे एक भरा हुआ जंबो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को निर्धारित मूल्य के बजाय 36,000 रुपए प्रति सिलेंडर बेचा जाता है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जितेंद्र विश्वकर्मा पुत्र गणेश विश्वकर्मा निवासी बड़े काजीपुर थाना तिवारीपुर, सिद्धार्थ यादव पुत्र प्रवीण यादव निवासी सठियाओ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व रोशन सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह निवासी कुटवा थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। इसके पास से एक भरा हुआ जंबो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, 3 मोबाइल व एक सफेद आर्टिका कार बरामद की गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में औषधि निरीक्षक जय सिंह, उप निरीक्षक ओंकार नाथ श्रीवास्तव, कांस्टेबल महेंद्र यादव शामिल रहे।